Byju's, the once poster boy of India's startup sector, has now hit turbulent waters as growth slows down amidst a global funding wind. From complaints about sales techniques and claims of a high pressure. आप सब लोग तो अभी न्यूज में देखते होंगे कैसे Byju's और Unacademy जैसे बड़े बड़े बिग एडटेक स्टार्टअप लॉस में जा रहे हैं। 2021 में एडटेक स्टार्टअप इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का मोस्ट फंडेड सेक्टर रहा है। ई कॉमर्स और फिनटेक के बाद एडटेक स्टार्टअप 2020 में $2.2 बिलियन का फंड रेस किया था और 2021 में वो डबल होकर $4.7 बिलियन हो गया। मगर ये स्पेक्टेकुलर ग्रोथ अब प्रेशर में आ चुका है। Byju's का रेवेन्यू हुआ था 2021 में 2280 करोड़ का और उन्हें लॉस हुआ था 4588 करोड़ का। और Unacademy का 2020 से लेकर 2021 तक 1447 करोड़ का लॉस हुआ, जिसके कारण बहुत से बड़े बड़े एडटेक स्टार्टअप 2022 से लेकर अभी तक अपने 4000 से भी ज्यादा एम्प्लॉई को निकाल चुके हैं। और अगर आप फिजिक्स वालों को देखें तो उसके साथ बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, वो दिन पर दिन प्रॉफिट में जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? नंबर वन, द राइज ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। फिजिक्स वाला अपने कोर्स बेचने से पहले वो बहुत लंबे समय तक अपने कोर्स फ्री में प्रोवाइड किया, जिसके कारण वो अपने मार्केट में एक ट्रस्ट बिल्ड कर चुका। और अगर वो एडवर्टीजमेंट भी रन करते हैं तो उनके कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कम होंगे इन कंपेयर टू Byju's और Unacademy। अब आप लोग सोचते होंगे कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मतलब क्या होता है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक कंपनी कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है अपने कोर्स में कि स्टूडेंट उनका एक कोर्स खरीदे। पेंडेमिक से पहले यही कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 20-30% हुआ करता था और पेंडेमिक के बाद ये बढ़कर 70-80% हो गया। इससे अगर कोई कंपनी का कोर्स का प्राइस 10,000 रुपए है तो उसे 7-8,000 रुपए स्पेंड करना पड़ेंगे एडवर्टीजमेंट में, जिससे उनका एक कोर्स को स्टूडेंट खरीद ले। नंबर टू, अनरियलिस्टिक प्राइसिंग मॉडल फॉर इंडियन मार्केट। इनटेक प्लेटफॉर्म का कोर्स का प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, जिसके वजह से बहुत से स्टूडेंट इंडिया में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इनके कोर्स। और एक रिसर्च के अनुसार इंडिया में 4 लाख से भी ज्यादा बजट प्राइवेट स्कूल है, जिसमें स्टूडेंट 30,000 से भी कम एनुअल फी पे करके पढ़ते हैं। और अगर हम इनटेक प्लेटफॉर्म के कोर्स स्कूल फी से कम्पेयर करें तो इनके कुछ कोर्स के फी स्कूल के एनुअल फी से भी ज्यादा होता है। और ये एडटेक कंपनी पेरेंट्स को फोर्स करते हैं डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस लेने के लिए, जिससे उनके कोर्स को एक्सेस कर सके। और बहुत से इंडिया में ऐसे पेरेंट्स है कि जो स्कूल फी के 50% अमाउंट ही ट्यूशन और कोई भी एक्टिविटी में खर्च करते हैं। नंबर थ्री, लिमिटेड टाइम ऑफ द चाइल्ड। और अगर ट्रेडिशनली बोले तो जो स्टूडेंट डेली स्कूल जाते हैं वो अपने दिन के 6 घंटे करीब स्कूल में ही स्पेंड करते हैं। और जब वो स्कूल से आते हैं तो या तो वो होमवर्क करते, टीवी देखते या ट्यूशन जाते, और जो बचा टाइम रहता है वो इतना ज्यादा नहीं रहता है कि वो कुछ नया स्टार्ट कर सके। और जब पेंडेमिक आया तो स्कूल और ऑफिस सब ऑनलाइन हो गए, जिसके कारण स्टूडेंट और पेरेंट्स के पास बहुत टाइम था जिससे वो कुछ नया स्टार्ट कर सके। इसलिए हमें पेंडेमिक में सारे एडटेक स्टार्टअप का बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। अब पेंडेमिक खत्म हो चुका है, बहुत से स्कूल और ऑफिस अब ऑफलाइन हो चुके हैं, तो इसलिए अब हमें इन एडटेक स्टार्टअप में क्रैश देखने को मिल रहा है। आपका क्या थॉट है कि आने वाले वक्त में कौन से स्टार्टअप सक्सेसफुल रहेगा? कमेंट में जरूर बताएं।